प्राइम मिनिस्टर की काल पर है हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा होस्टिंग का, उस पर मैं तह दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए। और मैं आप मुबारक खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, और इस जो नेशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज के इस फंक्शन की अहमियत पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर जय तिरंगा, हर जय तिरंगा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे यमुना गंगा उज्जल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे हमारा 75वां महोत्सव हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा आवाहन केंद्र से, हमारे केंद्र में बैठे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी से, हर एक ऑफिस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक एनजीओ, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर, आज हम राष्ट्रवादी सोच के साथ मान और सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय पर्व को, बड़े ऐतिहासिक पर्व को बहुत ही जोशो खरोश के साथ मना रहा है। आज हम डीसी ऑफिस के साथ ही सटे अपनी मस्जिद के सामने हमारे इमाम जी की प्रेजेंस में, हमारे मुबसर जी, हमारे मुस्लिम फोरम के जो हमारे अध्यक्ष हैं जहूर भाई जी, हमारे सुनील प्रजापति जी, हमारी डिप्टी कमिश्नर जिनका प्रयास रहता है, जो हमारा चिन्ह है, हमारी पहचान है कि भाईचारे की पहचान हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा उसका चिन्हित रहे, ऐसा राष्ट्रवादी सोच के साथ आज हमने बहुत मान सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ डीसी ऑफिस के सन्मुख, अपने ईदगाह के सामने, अपने इमाम जी की प्रेजेंस में, उनकी पूरी फोरम जो मुस्लिम फोरम है उसकी प्रेजेंस में, बाजार एसोसिएशन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारियों के मध्य में हमने ये बड़ी झंडा फहराया है। इसी मान सम्मान और गौरव के साथ भारत हमेशा प्रयत्नशील रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए हमारे 75वें महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसी ही राष्ट्रवादी धारा हम सबके दिलों में उत्पन्न होती रहे। जय हिंद। जो आज यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग की गई है, ये एक बहुत अच्छा प्रतीक है कि हम चाहे जिस भी मजहब के हों, जिस भी कम्युनिटी के हों, जिस भी रेस के हों, कोई भी डिफरेंसेस हैं, अंत में हम सब भारतीय हैं और जो तिरंगा है वो उसी का प्रतीक है। आज यहाँ मैं सराहनीय जो इवेंट ये किया मुस्लिम यूनाइटेड ग्रुप ने, मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ, उनका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ कि ऐसे मौके जो होते हैं उसमें ये दर्शाया जाता है, और ये हमें इस इवेंट से पता चला है कि जम्मू में भाईचारे का माहौल है और बना रहेगा। मैं सभी को इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे की बहुत बधाई देना चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सब अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। मैं मुफ्ती नायक अल्लाह कासिम, और इस वक्त जो तिरंगा लहराया गया है क्योंकि आने वाले 15 अगस्त में तिरंगा को हर घर में लहराने की प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है, इसके लिए हमारी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की तरफ से जो यहाँ प्रोग्राम इनका किया गया है, और इसमें अपने फोरम को और अपने इंतजामिया को, डीसी को और दीगर इंतजामियों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से हम अपने वतन, अपने मुल्क में खुश और खुर्रम रहेंगे, और ये दुआ और प्रार्थना भी करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हम सबको इसी तरीके से हमारे मुल्क को, मुल्क
लेने वालों को खुश और खुर्रम। शुक्रिया। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल 1 प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 7006444869।